हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। आलू मटर की सब्जी हर घर में हमेशा बनाई जाती है। सबके तरीके भी अलग अलग है सब्जी बनाने के। मैं जिस तरह आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए जो हमने सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 600 ग्राम फ्रेश मटर लिया था। मटर को हमने छील कर धो लिया है और धोने के बाद ये 400 ग्राम के करीब बची है। और एक चम्मच हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है। दो प्याज लिया था हमने बड़े, उसको बारीक कट कर लिया है। चार टमाटर लिया है, इसकी हम प्यूरी बनाकर डालेंगे। और यहाँ पर हमने स्वादिष्ट बनाने के लिए सब्जी को थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं और दो तेज़पत्ता है, थोड़ा सा जीरा है, एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, तीन हरी इलायची है और एक बड़ी इलायची है और तीन से चार लौंग है। यहाँ पर हमने तीन हरी मिर्च ली है। अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर लिया है और मिर्च अपने स्वाद अनुसार लेनी है। यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है और तीन हमने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने दो कलछुल मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप तेल या घी जो यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और खड़े मसाले, इसे सब्जी में अच्छा फ्लेवर आएगा। इनको थोड़ा सा चटकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, अब हम प्याज को चलाएंगे। इस तरह से हम प्याज को चलाते रहेंगे बीच बीच में और प्याज का कलर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें इसको ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसी में हम डाल देंगे सारे पाउडर मसाले। गैस का फ्लेम हम थोड़ा धीमा करेंगे। इसके बाद हम पाउडर मसाले डाल देते हैं। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर डालेंगे हम जीरा पाउडर। अब इसमें हमारा जाएगा धनिया पाउडर और अब डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। यह हमने डाल दिया एक चम्मच नमक। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। इसी में हम डाल देंगे टमाटर, इसको हमने ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो प्योरी बना के भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। जितने अच्छे से हम मसाले भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। अब इसको हम कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब हम मसाले चेक कर लेते हैं। इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। जितना कम मसाले डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट सब्जी का निकल के आएगा। ना ज़्यादा हमने प्याज डाली, ना ज़्यादा टमाटर। कम ही मसाले यूज़ करें तो टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है सब्जी का। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसालों में से। फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। देखिए, मसालों में से तेल भी अलग हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी मसालों में से। अब इसमें हम मटर और आलू डालकर इसको अच्छे से भून लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम मटर डालेंगे।
अब इसमें लेंगे हम आलू। आलू को हमने काट कर छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको आप काटने के बाद पानी में भिगो के रखें जरूर से, वरना इसका कलर काला हो जाता है। अब इनको भी अच्छे से हम भून लेते हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको हम किसी भी सब्जी में मिक्स करके बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है। अब इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। आलू मटर की सब्जी कम समय में और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बनाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है। जितने अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा सब्जी का। इसमें आप फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ्रोजन मटर को आप आलू के 90% कुक होने के बाद डालें। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब हम डाल रहे हैं हरी मिर्च। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। जैसी उबाल आएगी तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी इसमें से। अब हम आलू चेक करते हैं। आलू भी अच्छे से कुक हो गया है। अब ये खड़े मसाले हम निकाल देते हैं इसमें से। अब इनका फ्लेवर आ गया है। ये सब खड़े मसाले हम निकाल देते हैं। फिर जब हम खाएंगे तो ये मुंह में आएंगे हमारे। हमने सारे खड़े मसाले इसमें से निकाल लिए हैं और 5 मिनट हम सब्जी को और कुक करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत आलू में कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का। अब आलू भी अच्छे से हमारे कुक हो गए और मटर तो पहले ही गल चुकी थी। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और अब डालेंगे हम टेस्ट और बढ़ाने के लिए गरम मसाला पाउडर। इसको हम थोड़ा चला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्तियाँ। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। लग रही है ना लाजवाब देखने में। अब करते हैं हम गैस का फ्लेम ऑफ, फिर आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आलू मटर की सब्जी की प्लेटिंग भी कर ली है और इसको हमने गार्निश किया है धनिया की पत्तियों से। इसका कलर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। इस स्वादिष्ट सब्जी को आप नान, पराठा, पूरी, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर ग्रेवी को थोड़ा पतला कर दें तो आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब बनी है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।